कश्मीर के पूंछ में, माफ कीजिएगा जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई नहीं है बल्कि बड़ी खबर है दुर्घटना को लेकर के। जम्मू कश्मीर के पूंछ में बस हुई है दुर्घटनाग्रस्त, पोलिंग पार्टियों के 5 कर्मचारी घायल हुए हैं, घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में एडमिट करवाया गया। ये बड़ी अपडेट इस वक्त आपको बता रहे हैं। तो फिलहाल घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है, इलाज उनका चल रहा है। पोलिंग पार्टियों के लिए 5 कर्मचारी जो रवाना हुए थे वो घायल हो चुके हैं। दुर्घटनाग्रस्त हुई है बस, पूंछ में यह बस दुर्घटनाग्रस्त हुई है जम्मू कश्मीर से। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जम्मू कश्मीर के पूंछ में बस हुई है दुर्घटनाग्रस्त, पोलिंग पार्टियां के 5 कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायल कर्मचारियों को इलाज के लिए अस्पताल में एडमिट करवाया गया है। तो देखिए तस्वीरें आप देखिए, आनन फानन में स्थानीय निवासी जो वहां पर थे, तमाम अधिकारी जो पहुंचे थे घटनास्थल पर, जल्द से जल्द सभी कर्मचारियों को नजदीकी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया है। 5 कर्मचारी इस दौरान गंभीर रूप से घायल हुए हैं। जम्मू कश्मीर के पूंछ में यह बस दुर्घटनाग्रस्त हुई है। तो चलिए एक बार फिर से दीपांकर का रुख कर लेते हैं। दीपांकर, इस पूरी घटना को लेकर के क्या अपडेट है आपके पास? देखिए ये जो घटना है ये जिला पूंछ में हुई है। पूंछ में जो ग्राउंड था वहां से लगभग 2 बजे के करीब ये जो पोलिंग पार्टी है ये दूर दराज के पहाड़ी क्षेत्र में अपने पोलिंग स्टेशन पर जा रही थी, लेकिन पोलिंग स्टेशन पर पहुंचने से कुछ ही देर पहले ये बताया जाता है कि ये जो बस है ये ड्राइवर अपना संभवतः नियंत्रण खो बैठा और ये साथ में ही एक ग्राउंड है छोटा सा, मतलब नीचे ज्यादा नीचे नहीं ये बस गई, लेकिन यहाँ पर दुर्घटनाग्रस्त जरूर हुई है और 5 जो पोलिंग स्टाफ के मेंबर्स हैं वो इसमें इंजर्ड हुए हैं। हम आपको बताते चले कि 6 से 8 पोलिंग स्टाफ रहता है और साथ ही साथ 12 के करीब जो सुरक्षा बल है वो हर एक पोलिंग पार्टी में रहते हैं, यानी कि लगभग कुल मिला के 20 लोग जो है वो इस गाड़ी में होते हैं। लेकिन जो गंभीर रूप से जो ज्यादा घायल हैं 5 को वहां से पूंछ के हॉस्पिटल में शिफ्ट करवाया गया है। हालांकि ये एक अच्छी खबर है कि किसी की भी हालत ज्यादा गंभीर नहीं है, हालांकि सिर पे भी चोटें आई हैं। तस्वीरें जो हम न्यूज इंडिया के माध्यम से दिखा रहे हैं उसमें आप देख सकते हैं। दीपांकर, देखिए एक चीज आपसे जानना चाहेंगे कि इस दुर्घटना के पीछे की वजह क्या समझ में आ रही, किस तरीके से ये हादसा हुआ और जब ये हादसा हुआ उस वक्त बस में कितने लोग सवार थे? कि जैसे मैंने आपको बताया कि लगभग 20 लोग सवार थे उस बस में, 12 के करीब जो हमारे सुरक्षा कर्मी होते हैं जो पोलिंग पार्टी के साथ जाते हैं और साथ ही साथ जो 8 के करीब जो पोलिंग पार्टी का स्टाफ रहता है, इसी रेशियो में ये, और ये सिविल बस है। जब बहुत ज्यादा चुनावों के लिए डिप्लॉयमेंट होती है तो सिविल बसेस थर्ड पार्टी हायर की जाती है और कई बार सिविल बस में जिस तरह से वो मूव करते हैं तो कई बार जो है वो टेक्निकल फॉल्ट हो जाता है। आपने हाल ही में देखा होगा श्रीनगर के बाहर बदगाम में भी इसी तरह से बीएसएफ की एक बस जो पोलिंग पार्टी को लेकर जा रही थी वह दुर्घटनाग्रस्त हुई थी। उसमें 4 बीएसएफ के जवान, 4 दिन पहले की बात है जब उनकी शहादत हुई थी लाइन ऑफ एक्शन में और करीब 25 के करीब घायल हुए थे। बहरहाल इसमें भी ये सिविल बस है और सिविल बस में गनीमत ये रही है कि कोई भी बहुत ज्यादा सीरियसली क्रिटिकली इंजर्ड नहीं है। चलिए ठीक है दीपांकर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए ये जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर पूंछ में एक बस दुर्घटनाग्रस्त हुई है। बस में कई कर्मचारी उस वक्त मौजूद थे जब ये हादसा हुआ है। पोलिंग पार्टी में के 5 कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हुए। देखिए तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जल्द सभी घायल कर्मचारियों को अस्पताल में ले जाया गया, इलाज उनका चल रहा है। हालांकि जैसा कि हमारे सहयोगी दीपांकर ने भी जानकारी दी है कि हादसा तो खतरनाक था लेकिन ये गनीमत रही कि सिर्फ 5 ही कर्मचारी ऐसे हैं जिन्हें चोटें आई हैं, सिर पर चोट आई है, किसी के हाथ पैर पर चोट आई है, लेकिन गंभीर किसी की हालत नहीं है।